मुजफ्फरपुर जिले में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। दिन में बाइक सवार अपराधी एक महिला पर गोलियों की बौछार कर फरार हो गए, तो वही देर रात पत्रकारिता पेशे से जुड़े एक युवक की चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के मारीपुर गाँव की है। मृतक शिवशंकर झा पत्रकारिता पेशे से जुड़े हुए थे, जिनकी अपराधियों ने देर रात गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची मनियारी थाना की पुलिस ने मृतक युवक शिवशंकर झा के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा है, जहां देर रात शहर के पत्रकार परिजनों का हाल चाल जानने के लिए SKMCH पहुंचे। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मनियारी थाना क्षेत्र के मारिकपुर गांव निवासी युवक शिवशंकर झा अपने बाइक से घर जा रहा था, तभी गांव के ही शिव मंदिर के समीप अज्ञात अपराधियों ने बाइक रोक कर युवक शिवशंकर झा को चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। फिलहाल घटना के कारणों का स्पष्ट नहीं हो सका है, वही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना हो जाने के बाद पूरे बिहार में अब सियासत भी काफ़ी तेज हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सकांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार में देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी RJD शासनकाल को जंगल राज कहती थी, तो आज अब क्या बिहार में महाजंगल राज है। साथ ही अपराधियों को सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं देर रात की, जहां पर देख सकते हैं परिवार के लोगों का जो है रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं सबसे तेज खबर, जहाँ पर पत्रकार कि निर्मम तरीके से हत्या हो जाने के बाद जो है आप तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं बिहार में जो है लगातार पत्रकार पर लगातार हमले की खबर सामने आती है, और देर रात एक पत्रकार की फिर से निर्मम तरीके से हत्या की गई है, जो मनियारी थाना क्षेत्र की है। और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, मैंने कोई चाकू किसी व्यक्ति को चाकू लग गया है मणिपुर चौक पर, जल्दी जाइए। तो वहाँ से अपना NH पर थे, NH 28 पर गस्ती में, तो वहाँ पर हम पहुँचे जल्दी में गाड़ी लेके। देखे कि वहाँ पर एक आदमी गिरा हुआ है और सांस चल रहा है, तो फिर वहाँ से लेकर हम मेडिकल भागे यहाँ पर डॉक्टर साहब के यहाँ लेकर आए, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मृत्यु घोषित कर दिए उनको। और आई हाँ, व्यक्ति की पहचान हो गया है, इनका नाम है शिवशंकर झा नाम है। क्या और प्रेस से हैं, मीडिया से हैं। कितने बजे ये घटना है सर, आपके अंदाज से? ये लगभग हमको लगता है कि 10:15 बजे के, 10:30 बजे की है घटना। कारण को प्रथम ये अभी तो पता नहीं है, अब इस पर जांच होगा, उसके बाद पता चलेगा। दृष्टि क्या लग रहा है? अब ये तो हम नहीं बता सकते, अभी चाकू लगा है। मौत की मामला सामने आ रहा है सर। हाँ, तो ये तो यहाँ पर चाकू लगा हुआ है, यहाँ पर डॉक्टर साहब के लेकर आए मेडिकल में। लूटपाट तो पता नहीं है, लूटपाट अब इनके शरीर में क्या था। अब मैंने अब ऐसे यहाँ पर आए हैं तो इनके शरीर में एक हेड मोबाइल मिला है, यार मोबाइल नहीं मिला है, ये जो आप लोग का ब्लूटूथ होता है और आई कार्ड है, यही जो तुम्हें सामान मिला है। क्या नाम हुआ सर आपका? SI जयशंकर है, मनियारी थाना। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।